तो आप लोगों को बताया गया, तो इस तरह से जो है हमारा फ्लैंक चौड़ाई का होती है बता दिया गया, और इस तरह से जो है हमारा अगल बगल की आधी आधी दूरी ली जाएगी। और यहाँ धरन अलग है, छत अलग है, लेकिन यहाँ धरन और छत दोनों एक साथ हैं। अब देखा जाए वैल्यू रखी जाए, तो वैल्यू हमारी जो है इस प्रकार से रखी जाएगी कि यहाँ एल हो गया, एल ओ कितना हो गया प्रश्न में दिया हुआ है, बी डब्ल्यू दिया हुआ है, डी एफ दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब हम मार रखते हैं अलग थलग, जब आइसोलेटेड प्रकार से आइसोलेटेड बता दिया मैंने। आइसोलेटेड क्या होता है, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब धरन में लगातार जो स्लैब में लगातार धरन की व्यवस्था टी धरन जैसी नहीं, धरन की व्यवस्था की गई हो लेकिन कहीं टी धरन हो कहीं सामान्य धरन, कहीं टी धरन हो कहीं सामान्य धरन हो, तो ऐसी दशा में जो है हम उसको आइसोलेटेड टी धरन के नाम से जानेंगे। अब मान रखते हैं, मान कैसे रखेंगे यहाँ पे वी एफ, वी एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला जैसे बताया गया आप लोगों को है, एल ओ अपान बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू, अथवा वी एफ इज इक्वल टू बी जो न्यूनतम हो। तो रख दिया हमने बी एफ इज इक्वल टू एल एल अपान एल ओ, हमारा एल क्या है हमारी पूरी स्लैब की लंबाई, यानी कि जो है स्लैब की चौड़ाई यानी धरन की लंबाई कितनी है, 6 मीटर लंबाई हमारी देनी है, रख दिया गया यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आपका जो है यहाँ एल ओ अपान बी, बी कितना 1.5, यानी प्रश्न दिया हुआ है कितना 1500 mm यानी 1.5 मीटर, ये दिया गया है हमने रख दिया यहाँ पे। अब प्लस 0.250, इस तरह से हमारा ए वैल्यू आ गई 1 मीटर, और वी एफ इज इक्वल टू बी सीधा वैल्यू 1.5 मीटर। इन दोनों वैल्यू में से न्यूनतम वैल्यू कौन सी हो रही है, 1 मीटर की हो रही है। अतः हमारा आंसर कितना आएगा, आइसोलेटेड तरीके से यदि टीधन व्यवस्था की गई हो इस दिशा में जो हमारा हमने हल किया, पता चला हमारा जो है फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई यानी इस स्लैब की टीधन के साथ कितना हिस्सा फ्लैंज, कितना हिस्सा फ्लैंज होगा यानी स्लैब कितना हिस्सा जुड़ा होगा, यही बी एफ हमारा जो है इफेक्टिव कितना आ गया 1 मीटर हमारा आंसर आ गया। इस तरह से जो है आपका दो प्रश्न हल किया गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है अब जो वास्तविक प्रश्न होता है प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करने का उसको देखेंगे कैसे हल किया जाएगा, और उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे।